छोड़िए नील, प्लीज नहीं चाहिए। मैंने भक्त से वादा किया था कि मैं उसको इंसाफ दिलवाऊंगा। नहीं चाचा, इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। नहीं नील, लेकिन इस राक्षस की मैं जान लेकर रहूं बचा। नहीं नहीं नहीं, भगवान की आड़ में तूने नफरत का बहुत कारोबार किया। ये नफरत करने वाले प्यार करने वालों के हाथों सूली चढ़ेंगे। नहीं लेने दे सकती, छोड़िए इन्हें। और अब भक्त से माफी मांगने के लिए अब तो उसके पास ही जाना होगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज तो इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। इसकी जान लेकर रहूंगा मैं। नील, 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 रिलैक्स, नील, नील, रिलैक्स। आप नहीं चाहते ना कि सरस्वती की रूह को दर्द पहुंचे? क्या उन्हें ये देखकर अच्छा लगेगा कि आज उनका भाई भी कातिल बन गया है? नहीं ना नील, नहीं तो आप और इनमें फर्क ही क्या रहेगा? हाँ चाहत, बक्स के लिए, बक्स के लिए इसका मरना जरूरी है। तो छोड़ो मुझे। 10, 9, 8 1 रिलैक्स। ठीक है, लेकिन इसको जेल तक घसीट कर मैं खुद लेकर जाऊंगा। लेकिन नील, उठ, रुकिए, चल, छोड़िए नील भैजी, मेरे होने वाले पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते आप। माँ कुछ कहो ना आप इससे। ए, हट, हट पीछे, तेरे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ। झूठ है ये सारी रिकॉर्डिंग। इसने खुद सरस्वती का नाम लेके रिकॉर्डिंग की थी ताकि मेरी शादी अलखनंदा से ना हो। नवेली, क्या ये सच है नवेली? नहीं नहीं, धारी देवी देखनी चाहिए। अपने पाप से बचने के लिए आप मेरी बेटी को फंसाना चाहते हैं? अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये बात सबके सामने आ गई, वरना एक खूनी से शादी कर बैठती मेरी बेटी। ए, भूला, भूला तू खुद सोच, जिसके साथ मैंने इतने साल गुजारे हैं, उसके साथ मैं ऐसा करूंगा? और जो तेरी बहन से इतना प्यार करता वो थोड़ी उसकी जान लेगा? क्योंकि आप जानते थे कि सरस्वती ने ये बात जान गई है कि आप नील और बाबा के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। नील महंत बने, आप चाहते थे कि आप महंत बने। और इतना ही नहीं नील, और गुड़िया पाने के चक्कर में ये मुझे भी मारना चाहते थे। अरे अपने खूनी बाप को बचाने के लिए इतना झूठ बोलेगी तू? अरे आप लोग सब जानते हो क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। अरे भगवान की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अरे मैं क्यों कृपा से उसकी माँ छीनूंगा? अगर अपनी गंदी जुबान से कृपा का नाम भी लिया तो तुझे मार डालूंगा। सोरा जी, मैं विश्वास करा। तुझे अब भी लगता है विश्वासघाती कि मैं तेरा विश्वास करूंगा? ए भूला, मैंने तेरी बहन से शादी की थी, तुझे लगता है मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ?
मेरी सरस्वती का हत्यारा है या नहीं, इस बात का फैसला अब कानून करेगा। ले जाइए इसे। आस्तीन के सांप को पहचानने में गोदामरी कभी गलती नहीं करती है परमुच। मैं जानता हूं सरोजी, आपके दिल में मेरे लिए कितनी भी नफरत हो, लेकिन मेरे दिल में भगवान के साथ आपका स्थान है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप खुद मुझे पुलिस स्टेशन लेने आएंगे। आप खुद आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है सरोजी। थैंक यू सो मच। बाबा, मेरे बाबा ने सरस्वती दीदी को नहीं मारा, मेरे बाबा बेकसूर हैं। बाबा चाहत चाहत, चलो मेरे साथ, आज वो होगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं नील, मैं बाबा के हुक्म की बेइज्जती भी नहीं कर सकती। चाहत, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, तुम्हारे शुभ कदमों से यह घर वंचित नहीं रहेगा और आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। भक्स से किया हुआ वादा तो मैंने पूरा कर दिया है और अब मैं भक्स की अधूरी इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। चाहत को उसका मान दिलवाना जरूरी है। तुम चलो चाहत।
इंसान को कि जिस राक्षस से तेरी रक्षा करनी थी वो इस घर में ही छुपा हुआ बैठा है। नील प्लीज, आप खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी क्या गलती है अगर आपको प्रमुख जी की असलियत नहीं दिखाई दी? नील, आप प्लीज रोइए मत। इनफैक्ट नील, आपको तो प्राउड फील करना चाहिए ना कि हमने फाइनली सरस्वती दी के कातिल को पकड़ लिया। चाहत, हमने नहीं, चाहत तुमने। मैं सच बताऊं, मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनफैक्ट इन सब लोगों को तुम्हारा उपकार मानना चाहिए। व्यास जी, आप इस लड़की के कदम आप घर में आने से रोक रहे थे, और देखिए इस लड़की ने इस घर की बेटी को इंसाफ दिलवाया है, जो कि मेरी पत्नी है। व्यास जी, जो लड़की इस घर से इतना प्रेम करती है, क्या अब भी आपके दिल में उसके लिए इतनी नफरत है? और अगली बार जब पूजा करेंगे तो भगवान से प्रार्थना भी कीजिए आप कि आपका अहंकार कुछ कम कर दे, और आपको जो भी सोचना है आप सोचिए। अब मैं देखता हूं कि चाहत को इस घर में रहने से कौन रोकता है। नील, नील ऐसा नहीं है। अब आप देखना, एक दिन ना हम जरूर इस घर में वापस लौट कर आएंगे। ऐसा दिन आएगा जब बाबा खुद मेरे सर पर हाथ रखकर कहेंगे कि दहलीज पार करो। बाबा, मामा, मामी, गोलू, आप, मैं और हमारा बच्चा सब खुशी से इस घर में रहेंगे। लेकिन नील, इस वक्त बाबा को आपके सहारे की जरूरत है। जितना दर्द आप महसूस कर रहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा दर्द बाबा भी महसूस कर रहे हैं। प्लीज नील, आप एक बार जाकर पापा से बात कीजिए। मैं व्यास जी से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। प्लीज, तू हमारी सरस्वती की परछाई है बच्चे, जानती? आज साक्षात सरस्वती मेरे सामने खड़ी। देना चाहिए था। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे खासे प्रमुख जी महंत बन जाते, माँ बेटी मिलकर राज करती। लेकिन तू, जब दिमाग है नहीं है तो चलाते क्यों है? मन तो कर तुम गला घुट तुम्हें मार दो तो चाहे मैं मार दो माँ। अगर आप सबको इतनी करती हो तो अभी जान ले लो मेरी, अभी मार दो मुझे लो। तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी जिस दिन प्रमुख जी घर में वापिस आए। अरे भगवान से प्रार्थना कर कि वो घर में वापस ना आए। अरे भगवान से प्रार्थना कर कि वो जेल से ना छूटे। जिस दिन वो आदमी जेल से छूट गया, ना मैं बचूंगी ना इस परिवार का कोई भी आदमी, समझे तुम? दादी अम्मी,
आप प्लीज फोन को स्पीकर पर डालिए ना, मुझे ना आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अच्छा बोलो चाहत। बाबा आज आपकी बेटी ने कर दिखाया, आपकी बेटी ने ये बात साबित कर दी कि आप बेकसूर हैं। सरस्वती दी का कत्ल प्रमुख जी ने किया था और हमें उनके खिलाफ सबूत भी मिल गया है और वो पुलिस की हिरासत में है। मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरे बाबा पे तोहमत लगाता है। सच्चा अब तुम उस पंडित को ना मेरी तरफ से चार बातें सुनाना जरूर। ना जाने कितने इल्जाम हमारे राही पे लगा के हमें बेइज्जत किया है उन्होंने। दादी अम्मी जो हुआ सो हुआ, अब छोड़िए इन बातों को। दादी अम्मी जो आज हुआ है ना, आप उसके लिए जश्न मनाइए और मैं घर आ रही हूँ जल्दी आप लोगों से मिलने, और उस दिन दावत करेंगे हम। ठीक है बस बेटा बस, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम पर लगा हुआ दाग हमेशा के लिए मिट गया। खुदा करे उस शैतान आले को दोजख की आग नसीब हो। प्रमुख आले एक जेल में, ये तो कयामत के आसार है। उनकी मदद से ही तो मैं दोनों कौमों के बीच तनाव पैदा करके अपने लिए वोट्स बटोरा करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि महंत व्यास भी अब चाहत को माफ कर दे। अगर सारे राजी खुशी हो जाएंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? अरे सारा काम मुझे नन्ही सी जान को अकेले ही करना पड़ता है। अरे बच्चों, अरे कोई हाथ बटा दो भाई। क्या हुआ मामा जी? अरे भाई सरस्वती की आत्मा को शांति मिले इसलिए सारा सामान दान कर रहे हैं। चाहत तुम भी आओ मदद करो, कम। नील आप करिए ना, अगर मैं आई और बाबा बुरा मान गए तो फिर? चाहत कुछ नहीं होगा, तुम आओ। नहीं नीलकंठ की बुआरी, जिस देवी ने उस राक्षस को पकड़वाने का साहस किया ठहरा, उसे मैं ये दान कार्य करने से नहीं रोक सकता। हल्कू पागल, पापा की एक्टिंग मत कर। लेकिन नागतनी दीदी, महन बाबा भी यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते आपसे, चलिए ना। अरे हल्कू, अरे ये आ गई मिठाइयां भी। लो, मुझे अच्छे से याद है बच्चे, जब सरस्वती थी ना तो अपने हाथों से मिठाई बनाकर गरीब अनाथ बच्चों में बांटा करती थी। जलेबियां। सरस्वती के हाथ की जलेबियों की खुशबू मुझे आज भी याद है। क्या हुआ? मुझे ऐसे देखकर दंग क्यों रह गए सारे? तेरी हिम्मत कैसे हुई लौटकर आने की? प्रमुख जी आप तो डराओ मत, बात करने आया हूं। सास सम्मान बरी कर दिया है मुझे। ये लीजिए बेल के कागजात। जब तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता कि सरस्वती नौटियाल के कातिल आप हैं, तब तक आप आजाद हैं। सबूत तो वैसे भी इनको मिलने सर,
और जो ध्यानी परिवार ने नहीं किया वो आपने कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो नील और चाहत को अलग कीजिए। मेरी इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि मैं चाहत को अपने साथ अपने घर वापस ले जाऊं। और उसमें मेरा फायदा भी तो है, चाहत के रास्ते में ना होने से पदवी तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और वैसे भी बुड्ढे को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं मैं, भुला नहीं पा रहा हूं उस थप्पड़ को मैं। जाओ, जाओ, नहीं, जाओ, नहीं। वो हाल करूंगा कि अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा वो।